सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल के जुड़ते ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे रडार पर हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी हस्तियों के नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं और जिसके बाद एनसीबी पूरे मामले की जांच में जुटी है। जहां शुक्रवार को एनसीबी ने रकुलप्रीत से पूछताछ की, वहीं आज ड्रग्स कनेक्शन मामले में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होगी। ये आपको बता दें कि दीपिका की करिश्मा संग ड्रग्स चैट वायरल हुई है। इस व्हाट्सएप चैट में दीपिका ड्रग्स को कर बात करती नजर आई। खबरें हैं कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका और करिश्मा बातें कर रही थी, उस ग्रुप की एडमिन भी दीपिका थी और 2017 का ये ग्रुप है। हालांकि उसके बाद इस ग्रुप को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और गौरतलब ये भी है कि रकुल प्रीत से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कबूल लिया है कि ऐसी बातचीत उनकी हुई थी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ऋषभ पांडे फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए परत दर परत खुलती जा रही है जो पूरा ड्रग स्कैंडल है उसकी, और रकुल प्रीत से भी तमाम तरह की पूछताछ हुई, गौरतलब है ये उन्होंने कबूल कर लिया है, और क्या जानकारी है? देखिए मनीषा, सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच जब से शुरू हुई है तब से कई ऐसी जानकारियां सामने निकल कर आई। सबसे बड़ी जो चीज निकल कर आई, जब एनसीबी ने जांच शुरू करी तो बॉलीवुड के कई सितारों का नाम आया, और आज जो सबसे बड़ी पेशी होने जा रही है वो है दीपिका पादुकोण की। एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और इनका ड्रग्स मामले में जिस तरह से नाम आया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा दिखाई दे रहा है। और करीब 10 बजे दीपिका पादुकोण जो दफ्तर है, माफ कीजिएगा, जो गेस्ट हाउस है वहां पर पेश होंगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को आज बैलार्ड स्टेट जो हेड ऑफिस है स्थित वहां पर 10:30 बजे पेश होंगी, और करीब 5 से 10 क्वेश्चन इनसे किए जाएंगे, जिसमें ड्रग्स लेने से लेकर और ड्रग्स आगे पहुंचाने या कहीं से खरीदने, सभी बातों को लेकर प्रश्न किए जाएंगे। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी चीज, रकुल प्रीत ने कल एनसीबी के सामने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, वो ड्रग्स की बात उन्होंने करी थी, और इस तरह के मामले जो सामने आ रहे, तो देखने वाला होगा क्या दीपिका आज एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। वहीं रणवीर सिंह ने एक एनसीबी के सामने बात रखी थी कि वो दीपिका के साथ में रहना चाहते, लेकिन एनसीबी ने साफ मना कर दिया है कि नहीं, वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं दीपिका पादुकोण की। जी बिल्कुल, देखिए करिश्मा प्रकाश जो हैं उन्होंने भी ये मान लिया कि ऐसी बातचीत हुई थी, और साथ ही खुद के जुड़े होने से हालांकि मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस ग्रुप में वो शामिल थी। साथ ही उन्होंने गौरतलब ये भी है कि एनसीबी के सामने कुछ सबूत भी रखे हैं। बिल्कुल, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप की जो बात सामने आई, तो करीब वो जो ड्रग्स चैट हुई थी 28 अक्टूबर 2017 को करिश्मा और सुशांत की जो टास्क मैनेजर थी जया साहा के बीच, और देखिए जो ग्रुप था उसकी एडमिन भी दीपिका को बताया गया है। तो कहीं ना कहीं दीपिका के जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना, हैश, वीड और माल, जो ड्रग्स को उन्होंने माल शब्द का यूज करते हुए मांगा है कि माल है क्या, तो कहीं ना कहीं दीपिका इसमें फंसती हुई, थोड़ा सा फंसती हुई जरूर दिखाई देंगे। और देखिए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी जिस तरह से अपनी रडार बढ़ा रहा है, और बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े सितारों का नाम सामने आ रहा है, तो एनसीबी ये कोशिश पूरी करेगी कि जो बड़े बड़े सितारे हैं, जो बड़ी मछलियां जो पकड़ में आ रही है, इनको कहीं भी छोड़ा ना जाए और इनसे पूरी सच्चाई सामने आए। तो बॉलीवुड में जो ड्रग्स कनेक्शन आ रहा है वो पूरी तरह से निकल कर आया। भैया अगर देखिए श्रद्धा कपूर की देखी जाए, श्रद्धा कपूर ने भी जया साहा से जो सीबीडी ऑयल मांगा था, तो उस वाली चैट सामने आई। तो अब श्रद्धा कपूर भी जब इस रडार में आई है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। वहीं अगर सारा अली खान की बात करी जाए, सारा अली खान से सुशांत सिंह राजपूत से रिलेशन और ड्रग्स पार्टी को लेकर क्वेश्चन किए जाएंगे। तो जो ये बड़े तीनों सितारे हैं, एक बड़ा नाम है चाहे श्रद्धा कपूर का हो, सारा अली खान का हो, सैफ अली खान की बेटी है, श्रद्धा कपूर का ही बड़ा नाम है, वही दीपिका पादुकोण का, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी मूवीज करी हैं, तो इनके ड्रग्स कनेक्शन निकलने के बाद कहीं ना कहीं अब एनसीबी सख्त दिखाई दे रही है, और आज जो खुलासे होंगे वो बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी ऋषभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए गौरतलब ये भी है कि कुछ ही महीनों पहले ये व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया गया है, इसमें कई नामचीन सितारे शामिल थे, और एनसीबी अब क्योंकि अपनी कवायद शुरू कर चुकी है तो सबका नाम सामने बिल्कुल निकल कर आएगा।